नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले 48 घंटे के अंदर धन्य हो, आपके भाग्य खुल गए, पूरे 50 किलो मिठाई बांटो गए आप। जी हां दोस्तों, क्योंकि आने वाले 48 घंटे के अंदर शुभ समाचार, शुभ समाचार, शुभ समाचार, एक साथ तीन दिन बाद शुभ समाचार आप सभी को मिलने वाला है। आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करोगे, इतनी बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, परंतु आप सभी को बता दें कि जो आज इस वीडियो को दिखेगा उसी को यह लाभ मिल पाएगा। आज देख लोगे तो कल मालामाल हो जाओगी, इस बात की हम फुल गारंटी देते हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आने वाली 48 घंटे के भीतर यानी कि अगले दो दिनों में अब बहुत ही बड़ा बदलाव आप सभी की राशि, आप सभी की कुंडली में होने जा रहा है, जिनके कारण आपके कर्मों की फलक सभी को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, इसे हाथ से जाने मत देना, वरना कल नहीं बल्कि जीवन भर पछताओगे। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखिएगा। माता रानी के आशीर्वाद से आपके सारे दुख, दर्द, कष्ट, संकट, समस्याएं सब कुछ खत्म हो जाएंगे, तो जरूर ही प्रेम से एक लाइक करके कमेंट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं। भगवान का भेजा हुआ एक ऐसी महिला जो आपकी जिंदगी में चार चांद लगा देगी, आपकी जिंदगी बिल्कुल ही राजा जैसी बना देगी। बस आपको इसे पहचान में कोई गलती नहीं करना है। अगले 48 घंटों में यह एक महिला आपकी जिंदगी में आने वाली है। यह दोस्तों आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रखती कि यह महिला, इसे कोई साधारण घटना न समझिए। दोस्तों, यह घटना जीवन में केवल एक बार ही करती है और वह शुभ घड़ी आपके जीवन में अब आ चुकी है। आखिर कहां मिलेगी यह महिला और कौन है? यह महिलाओं में सब कुछ आपको हम इस वीडियो में पता नहीं जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों यह है कि जब यह महिला आपके जीवन में आई थी तो फिर आपकी जिंदगी में वह घटना घटी थी जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह दोस्तों आपको विश्वास ही नहीं होगा अपनी आंखों पर जो आपके सामने घटित होगा। अब एक सबसे खास बात दोस्तों हम आपको बता दें, यह सब बातें जो हम आपको बता रहे हैं इन्हें गलती से भी मजाक मत समझ लेना कि आपके जीवन में होने वाली है, सच्ची घटनाएं हैं और इन्हें हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं। यह आपकी ग्रहों की चाल बोल रही है। आपको हम बता दें कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो स्त्री सुख के लिए जिम्मेदार होता है और जिस इंसान की जिंदगी में, कुंडली में, राशि में शुक्र बलवान हो जाता है उसे स्त्री सुख निश्चित तौर पर मिल ही जाता है। इसी वजह से जो भी कुछ हम आपको बता रहे हैं वह आपकी राशि में लिखा हुआ है, आपके ग्रहों की चाल में यह बताया जा रहा है। या दोस्तों, हम आपको हर एक घटना बिल्कुल ज्यों की त्यों वास्तविक घटना के तौर पर बताएंगे। आपको बस ठंडे दिमाग से इन बातों को समझना है। दोस्तों, जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनमें ईश्वर का कहीं ना कहीं योगदान होता है, आपकी जिंदगी को बदलने का प्रयास होता है और ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। यह आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि आपका मन, आपका दिल बहुत ही सच्चा है। आप हमेशा दूसरों की खुशी से खुश होते हैं, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, जो कि आपकी एक अनोखी आर अक्षर संसार में इसका उल्टा होता है। लोग दूसरों के सुख से दुखी होते हैं, दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, आनंद लेते हैं, मजे लेते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से आपका सच्चा मन, आपकी सच्ची भावनाएं ईश्वर को आपकी ओर आकर्षित करती हैं। इसी वजह से अब ईश्वर ने भी शायद यह निर्णय लिया है कि आपके जीवन में सुख, केवल सुख की घड़ियां अब आकर ही रहेगी। तो इस वीडियो को आप ईश्वर का आशीर्वाद माने और भगवान का प्रसाद समझकर इसे स्वीकार करें। वीडियो को पूरा देखें, हमने बहुत मेहनत की है दोस्तों। इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी ज्योतिषीय आकलन जोड़, गणित गुणा भाग लगाया है, तब जाकर हम आपको यह जानकारी देने जा रहे हैं। तो बिना समय गंवाएं आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं दोस्तों की कम से कम 3 बार कमेंट में जय मां राधा रानी कृपा करो, जय मां राधा रानी कृपा करो अवश्य लिखना और इंतजार करना। हम कहते हैं कि अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर खबर सुनने को मिल जाएगी, माता राधा रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा।
साथ ही साथ दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना और बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा देना। दोस्तों ये बिल्कुल ही फ्री है, बस इतना करने से आप हमारे बहुत अधिक मनोबल बढ़ा देंगे। फिर देखिए, हम आपके लिए एक से बढ़कर एक नगीने लेकर आते हैं और आपकी जिंदगी में कई रंग भर देंगे। दोस्तों हम पूरा जोर लगा रहे हैं, बस आपके समर्थन की हमें बहुत अधिक आवश्यकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बाहर की चुनौतियों से बिल्कुल भी डरते हैं। आपका बाहर की चुनौतियां, बाहर के दुश्मन, बाहर की परेशानियां बाल भी बांका नहीं कर सकती हैं। आपका मनोबल बहुत ऊंचा है, आत्मबल आपका बहुत ही अधिक शक्तिशाली है, लेकिन आपकी कमियां आपके अंदर ही छुपी हुई हैं। आपको चोट आपके अपने ही पहुंचाते हैं और आपके स्वभाव की कुछ ऐसी खामियां हैं जिनकी वजह से आप पीड़ित होते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि आप कंकड़ पत्थर भरे हुए रास्ते पर जूता पहनकर चलेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन उन्हीं कम करो में से एक भी कंकड़ यदि आपके जूते के अंदर आ जाए तो आप साफ सुथरी रास्ते पर भी चलेंगे तो आपको बहुत कष्ट होगा। उसी प्रकार आपके अंदर, आपके दिल में, आपके घर परिवार और दोस्तों में जो आपके साथ, वह उसी एक कंकड़ के समान है जिन्होंने आपके सुंदर और सरल स्वभाव और आपके सरल जीवन को बहुत ही व्यतीत कर रखा है, आपको परेशान कर रखा है, नर्क की भर्ती में आपको जलने के लिए मजबूर कर दिया है। तो अब आपको कठोर फैसले लेने हैं और जीवन में लोगों को ना कहना सीखना होगा। जब तक अपना नहीं कहेंगे, भावनात्मक तौर पर कठोर नहीं होंगे, आपको लोग अपना बनकर आते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, TV9 पहुंचाते रहेंगे और आप इतनी अच्छी और सरल इंसान हैं कि आप तो अपनों के द्वारा ठगे जाने के बाद भी उनकी शिकायत नहीं करती हैं, सब कुछ चुपचाप सह लेते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। यही तो आपकी खूबसूरती है। बस एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपको अपनी मन को मजबूत करना है और अपने स्वभाव की छोटी छोटी कमियों को दूर करना है। दोस्तों याद रखें कि जो इंसान सरल होता है, सीधा और सच्चा होता है, वह इंसान भगवान का बहुत अधिक प्रिय होता है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आपकी छोटी खानी और भी है कि आपका जब मन खराब हो जाता है, जीवन की परेशानियों से, हुई जनों से जब आप खूब जाते हैं, छा जाते हैं, तो फिर आपका मन भगवान से भी हिलने लगता है, स्वास्थ्य आपका हिलने लगता है और आपको लगता है कि शायद भगवान जानबूझकर आपको तकलीफ में डाले हुए हैं, आपको गिराने पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको दो काम करने हैं। पहला काम यह है, आपको केवल सच्चे मन के साथ पूरी मेहनत और लगन से अपने काम को करना है, बिना किसी की परवाह किए हुए, ना किसी व्यक्ति की, ना किसी रिश्ते की और ना ही स्वयं भगवान की भी परवाह किए बिना, क्योंकि भगवान ने तो खुद ही कहा है गीता में कि हे अर्जुन, तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, वह तो मैं तुझे दूंगा, पर मंडेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना, फल की इच्छा तुझे करनी ही नहीं है, तू तो बस इस जीवन के सफर का आनंद लिया जा। दोस्तों याद रखो कि जब हम इसी बस में सफर करते हैं तो हमें तो पता भी नहीं होता कि ड्राइवर कौन है, लेकिन हम तब भी बिना किसी चिंता के बस में बैठ जाते हैं, ना ही हम ट्रेन में कभी सोचते हैं कि इसे कौन चला रहा है, हवाई जहाज में भी हम नहीं सोचते कि इसे कौन चला रहा है, हम बिल्कुल बेफिक्र होकर यात्रा करते हैं और सही स्थान तक पहुंच भी जाते। लेकिन जिंदगी में हम क्यों इतनी चिंता करते हैं कि हम हर एक गम को खुद करना चाहते हैं, हर एक निर्णय अपनी ताकत से लेकर जीवन को खुद से बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस जीवन को चलाने वाला तो स्वयं भगवान है, वही हमारे निर्णय ले रहा है, उसी ने हमें जीवन दिया है, वही हमें मृत्यु के जीवन का हर कार्य ईश्वर की आज्ञा से ही चलता है, तो फिर क्यों नहीं जीवन का आनंद लेते हैं जो हम हर काम को खुद अपनी ताकत से करने की कोशिश करते हैं। कार्य तो करते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है करिए, लेकिन कार्य के परिणाम से हम दुखी क्यों हो जाती हैं? परिणाम तो ईश्वर दे रही है, क्योंकि हमारे जीवन की जो गाड़ी है उसके ड्राइवर स्वयं भगवान है। अब तो बस यात्रा का आनंद लीजिए। इतनी सारी बातें हमने आपसे, जो कि हैप्पी बातें, केवल हम इसलिए आपसे कह रहे हैं कि हम आपके मन को जानते हैं, आपके हृदय को जानते हैं, और आपका मन और हृदय बहुत ही कोमल है,
और ऐसे कोमल हृदय में भगवान रहते हैं। बस जरूरत है तो आपके अंदर। छोटी सी ज्ञान के दिए को चलाने की विधि की एक कितना सुंदर प्रकाश आपके हृदय में फैलता है और आपका जीवन कितना शांतिपूर्ण है, बिल्कुल एक ठहरे हुए तालाब के समान हो जाएगा। इसमें कोई लहर नहीं है, फिर उसी में दिखेगा आपको ईश्वर का सच्चा प्रकाश। जी हां दोस्तों, और आज हमें तकलीफ है, लग रही है, शायद भविष्य में भी हमें बहुत अधिक सुख देने वाली है। आज की तकलीफ है, कल का सुख होती है। दोस्तों इसे याद रखना है आपको। अब हम आपको बता दें कि इस समय आपको शांत रहने की बहुत आवश्यकता है। आपके मन में थोड़ा सा चंचलता रहेगी, अब इसको लेकर आए, और डर भी अनजान संभाई आपको सताता रहेगा। आपको अपने मन को शांत रखने की आवश्यकता है। आप ज्यादा से ज्यादा अपना समय कार्य करने में बताएं, अभी अपने आप को व्यस्त रखें। अगर आप जरा भी फ्री होंगे तो आपके दिमाग में कई तरह की नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगेंगे। आपके मन में एक उत्तल पुथल का भाव रहेगा, एक द्वंद्व चलता रहेगा। ऐसे में आपको किसी भी इंसान के साथ अधिक बात नहीं करनी है। ज्यादा बात करने से बात बहस में बदल जाएगी, झगड़ा भी हो सकता है, और यदि बहस होती है और झगड़ा होता है तो आपका सम्मान कम होगा, यानी आपका अपमान हो जाएगा। खास तौर से नकारात्मक लोगों से आपको बचकर रहना है। एक बात हम आपको बता दें दोस्तों, है कि आप जितनी सकारात्मक है, जितनी सरल स्वभाव के इंसान हैं, उतने ही आपके आसपास के जो लोग हैं नकारात्मक और उतने ही कठिन स्वभाव के लोग हैं। यानी कि चेहरे पर कुछ और है और मन में कुछ और है, तो आपको ऐसे नकारात्मक लोगों को ढूंढना है और उसे किसी भी प्रकार की बहसबाजी में नहीं पड़ना है। आपको चुपचाप बस अपने काम से काम रखना है। इस प्रकार आपके कार्यस्थल पर भी आपके किसी सहकर्मी के वजह से एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, किसी प्रकार की बहसबाजी भी हो सकती है। वह भी हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करें, अपनी बुद्धि को अच्छी तरह से उपयोग में लाए और झगड़े में ना पड़े, भैंसबाजी में ना पड़े, क्योंकि अगले 48 घंटों में होगा यह। अक्सर आपकी नियंत्रण से बाहर रहेंगे, चीजें आपको कम समझ में आएंगे और आपके काबू से बाहर हो जाएंगे, तो ऐसे में आपको संभल संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों आपके मन में भी उत्साह की थोड़ी सी कमी रहेगी। एक और खास बात दोस्तों की, आप पैरों में चोट लग सकती है या कमर के किसी निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, किसी चोट के लगने की आशंका है, थोड़ा सा संभल कर रहे दोस्तों। दोस्तों आपको जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है, क्योंकि आपका मन चंचल रहेगा, बेचैनी सी रहेगी और आपका जोश ठंडा रहेगा, तो आप काम को जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे, तो आपको जल्दबाजी में काम नहीं करने हैं और कोई भी फैसला आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है, ठंडे दिमाग से लेना है और कार्य को भी अपनी गति से करना है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, अन्यथा आपको बड़ी हानि हो सकती है। खर्चों के मामले में भी अधिकता रहेगी, किसी न किसी कारण की वजह से ऐसा अधिक खर्च हो जाएगा और आपका मन खराब हो जाएगा। लेकिन सब नकारात्मक खबरों के बीच में अच्छी खबर यह है दोस्तों की, आपका मन है धर्म कर्म के कार्यों में लग जाएगा। आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव जागेगा, आस्था जागेगी, और आपका मन करेगा कि आप मंदिर जाने की पूजा आराधना करें। बहुत अच्छी भावना है, आपको यह अवश्य करना ही चाहिए। दोस्तों हम आपको पिछले वीडियो में, कई वीडियोस में भी यह बता चुके हैं कि आपकी राशि के जातकों का उद्धार तभी होगा जब आप ईश्वर से जुड़ जाएंगे। हम जितने आप धार्मिक और सात्विक बनकर रहेंगे, आपको उतनी ही जल्दी सफलताएं प्राप्त होंगी, क्योंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आपके मन में जो सकारात्मक भाव है ईश्वर को बहुत प्रिय है, और जब आप ईश्वर के नजदीक जाएंगे फिर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, आपके मन के अनुसार होगा। आपको अपने जीवन में जो भी करना है ईश्वर से जुड़कर ही करना है, ईश्वर की मर्जी से ही करना है। आप जब ईश्वर से जुड़ेंगे, सकारात्मक होंगे, आध्यात्मिक होंगे, तो अपने आप आपके मन में ऐसे विचार आएंगे, आप ऐसे फैसले ले, ईश्वर की मर्जी के अनुसार होगी। याद रखिए कि भगवान आपसे क्या कह रहे हैं। भगवान आपसे कह रहे हैं कि तू हर समय वही करता है जो तू चाहता है, फिर तुझे वह मिलता है जो मैं चाहता हूं। फिर तू दुखी हो जाता है तो क्यों ना तू वह कर दो मैं चाहता हूं, फिर तुझे वह मिलेगा जो तू चाहता है
और फिर तू सुखी हो जाएगा। यह नियम आपके ऊपर 100% फिट बैठता। दोस्तों, आप एक बार इसे अपने जीवन में लगाकर देखिए, ईश्वर से जुड़ी है। ईश्वर का नाम लीजिए और नकारात्मक विचारों से दूर रहिए। शराब, यह किसी भी प्रकार की नकारात्मक गलत गतिविधि से आपको कोसों दूर रहना है। दोस्तों में मजाक आपको भूलकर भी प्रयोग नहीं करना है, और आपको हमें गुप्त बात बता देते हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल रामबाण की तरह कार्य करें कि दोस्तों, आपकी राशि के जातकों पर 100% फिट हो गई है। बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर कोई इस बात को गलत साबित कर दे तो इसी वक्त वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं। दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि आपको नियम से हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना है, चाहे आप सुबह करें, शाम करें, दोपहर करें, रात को जब आपको समय मिले। आपका दोस्त, ईश्वर के लिए कोई समय नहीं होता है, सारे समय ईश्वर के ही समय होते हैं। तो आपका जब भाव जागी, आप करिए रोज एक बार, 24 घंटे में एक बार अर्जी लगाई है, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करिए। आप देखेंगे कि आपका जीवन बिल्कुल आपके अनुसार हो जाएगा, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इतनी शक्ति है हनुमान चालीसा के अंदर, बहुत ही सरल है उपाय, लेकिन करना बहुत कठिन है, क्योंकि नियमितता बनाकर रखना बहुत कठिन है, लोग नियमित नहीं होते हैं। दोस्तों, एक दो बार दूध लेने से कोई इंसान ताकतवर थोड़े ही हो जाता है। दूध चाहे एक गिलास किया जाए, लेकिन रोज पिया जाए, नियम से पूरा शरीर में शक्ति उत्पन्न करता है। लेकिन एक बार यदि आप 2 लीटर दूध पी लें, फिर 10 दिन तक ना पीने से ताकत आ जाएगी नहीं। उस प्रकार आप हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करके तो देखिए, संकल्प ले लीजिए, 21 दिन का ले लीजिए, 6 महीने का ले लीजिए, क्या बुराई है। दोस्तों, हम अपने दिन के 24 घंटे दुनिया भर के कार्यों में व्यतीत कर देते हैं, तो क्यों नहीं 5 मिनट केवल हनुमान जी के कार्य में लगा दे। प्राप्ति के लिए हनुमान जी खुद आपके जीवन का भार उठा लेंगे, पर्वत उठाने वाले हैं। हनुमान जी, आपका जीवन क्या है? कुछ भी नहीं, जरा सा है। अब आपको बताते हैं सकारात्मक खबरें जो अगले 48 घंटों में आपके जीवन में घटित होंगे। अब इन सब नकारात्मक खबरों के बीच में बताते हैं वह खबरें जो आपको पसंद कर देंगे। अगले 48 घंटों में घटित होने वाली ऐसी घटना है जो आपको सुख देंगे। आपकी एक ऐसे इंसान से मुलाकात होगी जो आपको बहुत अधिक सपोर्ट करेगा, आपको भावनात्मक तौर पर और आर्थिक तौर पर भी मदद करेगा। ये दोस्तों आपको किसी कठिन परिस्थिति से बाहर निकाली में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपके व्यापार में बिजनेसमैन नए संपर्क बनेंगे, जिससे आपको अपने बिजनेस को बड़ा करने में मदद मिलेगी। और यदि रुपए पैसे को लेकर कहीं कोई भी चल रहा था, वैसे आपकी अटक गई थी, मिल नहीं पा रही थी, तो अब समय आ गया है कि वह विवाद सुलझ जाएगा, आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, पूरे मिलेंगे। बिल्कुल भी नहीं रुके के साथ ही साथ दोस्तों, आपका आपकी प्रेमी या जीवन साथी से बहुत मधुर संवाद होगा, बहुत ही अच्छा आप समय बिताएंगे, और आपका जीवन साथी आपको बहुत अधिक सपोर्ट करेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा और आपको बहुत अच्छा महसूस करवाएगा। और इन सबसे बड़ी बात तो स्टाफ है कि आपका शत्रु आपका दुश्मन है, आपके सामने हार मान जाएगा, आपके सामने टिक नहीं पाए का सिर्फ एक ही है, आपको ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा। यदि आपके मन में जो धार्मिकता के विचार उत्पन्न हो रही है, उसी के अनुसार आप धार्मिक हो जाती हैं, इससे जुड़ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपका आध्यात्मिक बल इतना अधिक बढ़ जाएगा कि आपका सचिव जो आपके खिलाफ योजनाएं बना रहा है वह विफल हो जाएगा, उसका आपके ऊपर से मन हट जाएगा, वह कहीं और समस्याओं में उलझ जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों, सकारात्मक नजरिए के साथ यदि आप चलते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपके विरोधी भी आपकी तारीफ किए बिना मांगे नहीं का। यह है कि आपके कार्य करने की शैली यानी कार्य करने के तरीके इतने शक्तिशाली, इतने प्रभावशाली है कि आपके उच्च अधिकारी तो आपसे प्रभावित रहते ही हैं, आपके विरोधी भी आपकी तारीफ किए बिना रह नहीं सकते हैं, साथ ही साथ दोस्त होते हैं। अगले 48 घंटों में आपको एक बहुत ही शुभ समाचार मिलेगा जो आपका मूड ही बना देगा, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो ये तो सारी बातें थी जो आपके राशिफल से जुड़ी हुई थी, आपके जीवन से जुड़ी हुई थी। अब बात करते हैं उस महिला की
जो आपके जीवन में अगले 48 घंटों में आने वाली है। जी हां दोस्तों, वह महिला आपको बहुत अधिक मोटिवेट करेगी, आपकी प्रेरणा भरने का कार्य करेगी, आपको हिम्मत बढ़ाएगी और आपको जीवन से लड़ने का संघर्ष करने देने वाला है। अभी अगले 48 घंटों में वही शुक्र आपको स्त्री सुख से वंचित भी बना सकता है, यानी जहां आपका प्रेम संबंध चल रहा है वह टूट भी सकता है, झगड़ा भी हो सकता है, आपकी जीवन साथी के साथ झगड़ा लड़ाई हो सकता है, प्लीज हो सकता है तो उल्टा हो जाएगा, लेकिन यह होगा क्योंकि आपने खुद ने अपने अंदर नकारात्मकता पर रखी है। यदि आप जो शराब करते हैं या कोई गलत गतिविधि में जाते हैं, वेश्यावृत्ति में लिप्त रहते हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें आप खुद ही नकारात्मक है। तो जब नकारात्मक ऊर्जा आपके पास है तो वे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगी, तो शुक्र की नकारात्मक ऊर्जा को ही अपनी ओर आकर्षित करेगी। याद रखिए, एक ग्रह के दो रूप होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। जहां शुक्र आपको स्त्री सुख देने वाला है, धन वैभव देने वाला है, वही शुक्र को राक्षसों का गुरु भी कहा जाता है। तो यह राक्षस कर आए हैं, इसमें कई प्रकार की नकारात्मकताएं भी भरी हुई है, तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा किसे आकर्षित कर रही है यह निर्भर करता है कि आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है। अब आप शायद समझ में आ गया होगा कि हम आपसे क्या कह रहे हैं। पहले आप पूरी बात को समझ लेंगे तो आप सारी बातें अच्छी तरह से स्पष्ट होने लगेंगे। बस यूं ही आधी अधूरी बात सुनकर कुछ भी कह देना बहुत सा होता है दोस्तों। उम्मीद दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी और आप इस जानकारी का प्रयोग करके अपने जीवन को बदल भी पाएंगे। बाकी आप चिंता ना करिए दोस्तों, हम भी यहां से जोड़ना हर रोज मां राधा रानी की हवन में हम आपकी राशि के जातकों की शुभकामना की प्रार्थना करते हैं। मां राधा रानी से यह प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आए। मां राधा रानी के रोज आपके नाम की आरतियां होती है। दोस्तों आप बस याद रखिए जो हम आपको कह रहे हैं और बातों को समझने का प्रयास करिए। इसके साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। जो भी प्रश्न आपके हो कमेंट में लिखें, अगर सही कमेंट होगा, प्रश्न जायज होगा, तो हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट में जय मां राधा रानी पूरे भक्ति भाव से लिखें, माता की कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जय माता की।